जो पोस्टर आया तो सबका ये था, क्या क्या लुक है यार, क्या लग रही हो यार, और ऊपर से इट्स इट्स वेरी कैची, जय मम्मी दी। तो अक्सर हमने जय माता दी सुना है, तो द सेम थिंग जय मम्मी दी, बिकॉज मम्मियों के आसपास रिवॉल्व करती है कहानी। तो उनको समझ आ गया था, और सबसे ज़्यादा हंसी की बात ये लगी थी कि ये मम्मियाँ तुमको क्यों डर रही हैं और वो अलग अलग करके जा रही हैं। तो दिस इज़ वेरी, दिस इज़ वेरी क्वर्की फनी। और उसके बाद जब ट्रेलर देखा तो एवरीबडी इज़ लाफिंग एंड एवरीबडी इज़ लाइक कि यार वी आर जस्ट गोना गो एंड वॉच विद आवर मॉम्स। एंड माय मॉम वाज लाइक कि यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है, हम जाके ज़रूर देखेंगे। देन द सॉन्ग्स लेम्बोर्गिनी, मम्मी नू पसंद नहीं, इवन द सैड सॉन्ग दरियागंज, बहुत सारे मिलियन व्यूज़ हुए, तो काफ़ी लोग बना रहे हैं वीडियोज़। एंड दिस ऑल लव एज एन, जो उन्होंने पहले भी बहुत इतना प्यार दिया है, वो दिख रहा है कि अभी भी दे रहे हैं। बहुत सारे बिकॉज मतलब बहुत ही ऑफ कोर्स मेरे लिए सबसे मतलब ये रहा है कि आप बहुत डिफरेंट लग रहे हो, आपको पहले कभी ऐसा देखा नहीं है, यू नो मेरा जो किरदार है। बट आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मेरी मम्मी से ही आया है, जिन्होंने जब वो सॉन्ग देखा मम्मी नू पसंद, तो शी इज़ लाइक यू आर लुकिंग सो क्यूट, जस्ट लाइक अ छोटी सी बच्ची लग रही है। तो मेरे लिए वो बहुत बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था, सारे हजारों लाखों कॉम्प्लीमेंट जो सोशल मीडिया पर है उससे बेस्ट वॉज मेरी मम्मी का कॉम्प्लीमेंट ओनली। ये मेकर्स ने ही दिया है और उन्होंने ही ये टैगलाइन दी है, और ये इतना क्वर्की था। और जब मैंने सुना कि ये फिल्म का नाम मैं आज पढ़ा, मैंने ना ये तो सही है यार, दिस वर्क, और मतलब ये वाली चीज़ें कोई सोचता नहीं है, बट ये क्रैक कर ली है और काफ़ी वर्क करती हैं ऐसी चीज़ें। एंड इट अगेन क्रिएट्स दैट कनेक्टिविटी विद द ऑडियंस एंड द मासेस, और इनसे मॉम्स काफ़ी कनेक्ट हो रही हैं। जिन जिन जो भी मेरी आंट्स हैं, जिनसे भी मिलता हूँ, तो दे वॉन्ट टू वॉच दिस बिकॉज द टाइटल इज इन द हेड। और उन सबको लगता होगा कि तो हमारे लिए फिल्म बनी है, जैसे मैं तो अपनी मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा ये आपके लिए ही है, दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू यू, सो यू नो वॉच इट। एक्चुअली पहले इसका नाम जय माता दी था, फिर उन्होंने जय मम्मी दी किया फॉर द ऑब्वियस, बट आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी रिस्पेक्ट भी है, बिकॉज यू नो जय माता दी इज़ आई एज इंडियंस वी ऑल लाइक रियली हैव फॉन्ड मेमोरीज, और हमारी एक अलग ही शिद्दत है उस जयकार के लिए। लेकिन भगवान मतलब इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, माँ रियली भगवान समान होती है, एंड दिस इज इन द ट्रू सेंस उनको एक ट्रिब्यूट देना कि आप ही हमारी माता हो, तो यू नो इट्स दैट। मेरा थॉट होने से पहले मुझे दी गई फिल्म तो बेसिकली लव सर का फोन आ जाता है, एंड ही कॉल्ड मी इज़ लाइक कम टू द ऑफिस एंड देयर वी मेट नवजोत गुलाटी, एंड ही सेड दिस इज अ फिल्म, एंड सो आई सेड थैंक यू सो मच सर, एंड दैट वॉज इज माई आई थिंक सेकेंड सोलो, बट आई वॉज वेरी हैप्पी विद द कॉन्सेप्ट बिकॉज वी हैव सीन दिस अराउंड यू एंड आई हैव लिव्ड दिस लाइफ समवेयर। तो ये था कि लव सर की वजह से ही है, पहले भी जो पिक्चरें आई हैं ये भी, और व्हेन आई मेट सोनाली देयर देयर वाज अ सरप्राइज, बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट शी इज देयर। तो ये पता था कि कोई ना कोई जानकार ही होगा साथ में जिनको मैं जानता हूँ काम किया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। देन इट वाज लाइक द रीडिंग सो योर, फिर पिक्चर खत्म हुई और हम यहाँ। मेरा इट वाज मतलब इट वाज लाइक सिमिलर ऑफिस, आज मुझे पता था ये है और हम गए, बट मेरा जो एक जेन्युइन सी पहले एक ऑफकोर्स एक एसोसिएशन है, लव सर की फिल्म है तो आप ऑटोमेटिकली आप जानते हो कि आपको करनी है और वो आपका बुरा तो नहीं करेंगे, सो यू नो दैट अगर उन्होंने कुछ ऑफर किया है इट विल डेफिनेटली हेल्प यू समवेयर एंड एनहेंस योर करियर। बट जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी पहली बार, हमने साथ में ही वो नरेशन जब नवजोत ने दी, वो सुनने के बाद द कॉन्फिडेंस वॉज मोर, आई वॉज लाइक दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट टू डू। एंड एज मतलब पर्सनली मैंने कोई भी ऐसा रोल मुझे अभी तक मिला नहीं था जिसमें आई कैन एक्सप्लोर कि यार मैं देसी लड़की का भी रोल कर सकती हूँ, नो आई ऑलवेज गॉटन ग्लैमरस पार्ट्स या मतलब अर्बन मॉडर्न गर्ल एंड बिकॉज ऑफ अ सर्टन बैकग्राउंड, तो मुझे तो बहुत खुजली थी कि मैं ऐसा कोई रोल करूँ जिसमें यू नो एक लाइक रेगुलर कुर्ता पहनती हुई और वैसी लड़की जो दिल्ली की लाजपत नगर की है, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पॉइंट था, और उस पर वर्क भी करना बिकॉज सांझ का कैरेक्टर इज नॉट लाइक सोनाली एट ऑल, सो आई हैड टू वर्क अ लॉट ऑन इट। एंजॉय, अरे एवरी डे एवरी सेकेंड एवरी मिनट इट वॉज लाफ्टर राइट। मतलब क्या होता है, काफ़ी जगह आप फंबल करते हो और काफ़ी जगह आपको सीन्स भी मतलब इतने प्यारे और मज़ेदार हैं कि फैमिलीज आ जाती है, सो यू इन्जॉय द मोमेंट एंड वैन यू नो ईच अदर तो यू नो क्या होने वाला है सेट पे। पर ये ज़रूर है कि सोनाली का ये डायलेक्ट था,
आई थिंक ये काफ़ी अलग है. और बीन पंजाबी ऑल्सो लाइक शी नोज, बट वो एक बड़ा ये देसी सा है, तो वो अच्छा सा क्रैक हुआ है. और ओवरऑल एवरीबडी इन द फिल्म, द केमिस्ट्री विद द फादर उज राजेंद्र सेठी एंड वीर हु इज प्लेइंग माय ब्रदर, सो एवरीवन एज दे कम अप विद सच गुड इम्प्रोवाइजेशन. आई कैन टेल यू लाइक ऑन द सेट वी जस्ट सरप्राइज लाइक वाओ व्हाट अ सीन यार, इट्स गोइंग सो गुड. सो हर एक इंसान अपना एक इनपुट देता है, रिसेप्टिव होता है, प्लस यू देयर फॉर द क्यूज, यू नो यू आर लाइक अ फैमिली. एंड नवजोत स्पेशली हु इज सो गुड इन राइटिंग एंड इवन डायरेक्शन, तो जब वो बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा ये डाल दो, तो बेसिकली लोग खाना बनाते हैं फिर वो तड़का वही डालते हैं. ये लाइफ में क्या करने से पहले इसकी लाइफ की, इसने मुझे पता है इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, बिकॉज़ आई बहुत लंबी लिस्ट है. ही वाज अ वेरी नॉटी, आई मस्ट टेल यू, बहुत नॉटी यार. मेरे को इंजेक्शन लगता था, ये तो नया नई चीजें बता देते यार, तो मैं उसे डरता था. तो मेरे को बोले थे जा देखो तू बीमार हो जाएगा, तो मैं जाता था, किसी को बताता नहीं था, भाग के पूरी बिल्डिंग की टैंकी होती है उस पर बैठा हुआ, शाम होगी सब ढूंढ रहे, और बाद में ऊपर से हाई कर रहा हूँ, फिर कभी गाड़ी के नीचे छुपा हुआ हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बहुत की है. फिर किसी को मैंने बोला कि तो एक काम कर, ये जो एक WWE की बेल्ट आती है ये सब आता है, या कुछ भी हो, मैं किसी को भी कुछ भी काम करवा देता था कि तू जा, और जो ऊपर फ्रिज होता ना, फ्रिज के ऊपर पैसे रखे होते ले आ ले आते थे, तो वहाँ लगे सब कुछ लेके बैठे हुए, वहाँ उसकी मम्मी आ रही है मेरी तरफ गुस्से में देख के, तो ये सब. और मतलब बहुत कुछ कॉलेज में स्कूल में कंप्लेंट्स होती थी कि ये पढ़ता नहीं है, ये कुछ रहता नहीं है, वही है, मतलब यही सब सारी चीज़ें करिए. CR बन गया, मुझे भी नहीं पता मैं कब बन गया. अच्छा. खड़ा कर दिया भाई तुम CR हो. CR मतलब CR जो क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, बना दिया मैंने, मेरे इतने मार्क्स kind of, तो मेरे इतने मार्क्स भी नहीं आते, बना दिया बना दिया, तो मैंने बोला भाई जाओ जियो अपनी जिंदगी जिसको जाना जाओ. दिस काइंड ऑफ गाय. मेरा तो मतलब जब मैं ये सब सुनती हूँ, मतलब मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है. आई हैव ऑलवेज बीन, और मैं अभी भी, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी, मेरी कभी ऐसे नहीं हुई है कि आई हैव टू गो अगेंस्ट माई मदर और एनीथिंग. इसीलिए मुझे सांझ की जो मेरा कैरेक्टर है उसमें इसीलिए आई कीप सेइंग कि बहुत डिफरेंट है, बिकॉज वो अपनी मम्मी से लड़ती भी है, रिस्पेक्ट भी करती है, और वो करते हुए शी ट्राइज टू गो आउट ऑफ द वे टू गेट पुनीत यू नो एंड विन एंड गो अगेंस्ट हर. एंड मतलब वो सारा जो एक फायरीपन सांझ में है वो सोनाली नेवर हैड टू गो अगेंस्ट. इट्स लाइक मतलब मैं तो ऐसे ही इनोसेंट थी. आई थिंक मेरा पहला जो क्रश था क्लास 8 में, मैंने सीधा सबसे पहले आके, कोई अपनी फ्रेंड को नहीं, कुछ होते ना फ्रेंड्स दे डिस्कस अमंग देमसेल्व्स एंड दे चिढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं, सीधा आके सबसे पहले मम्मा को, मम्मा मुझे एक क्रश है इस लड़के पे, एंड देन शी सैट मी डाउन और इतने अच्छे से उन्होंने समझाया. सो आई हैव ऑलवेज, वेदर इट्स माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड और फर्स्ट टाइम इफ आई वेंट टू पार्टी, मैं मम्मा को साथ में लेके बोल के, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी बच्ची थी और हूँ, देख लो मम्मा, मैं आई एम लाइक द एपिटमी ऑफ अ गुड डॉटर. बट ये भी है कि अभी भी ऑन द सेट ऑल्सो प्रैंक से हटती नहीं है, कभी भूत बन के डरा रहे हैं किसी को, कभी कुछ, कभी मैं इसे बहुत झूठ बोलता हूँ सेट पे, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसे, हाँ हाँ एकदम सीरियसली बात दी है, फिर ये पीछे देखती है मेरी तरफ गुस्से में, तो ये हम करते हैं, ये सब चीज़ें जाती नहीं. ये वाले जो ट्रेट हैं कि जो पंजाबीयत और नॉर्थ इंडियन जो फ्लेवर होता है, और जो जिंदगी इस पिक्चर में दिखाई गई है, जो अपने जो मम्मियों का कैरेक्टर है, या वो एक वेडिंग वाला सीन है, ये सब देखा है मेरी मॉम ने. एंड प्लस शी वही है कि पंजाबी मॉम है तो लाउड होंगी, तो वो तो है ही, तो बस फनी साइड है, मतलब इमोशनल साइड है कि यू नो आप कुछ भी थक पक के आ रहे हो, शी इज़ द ओनली वन, शी इज टायर्ड, शी विल नेवर से दैट, बट वो आपके पास आके बैठती हैं, बिना बोले सारी चीज़ें समझ जाती हैं, वो सारी चीज़ें सिमिलर हैं. मेरी मम्मा खुद दिल्ली से है, मतलब मैं यू नो शी इज़ अ पंजाबी, सो वो एक कैरेक्टरिस्टिक जो पूनम जी और उनका वो है बोल चाल कपड़े पहनने का, इनफैक्ट ट्रेलर में उन्होंने एक दुपट्टा पहना जो सेम मेरी मम्मा के पास है, तो मम्मा का देख के कॉल आया, मुझे कहती है कि अरे वो तूने दुपट्टा देखा मेरे पास, सेम वो फुलकारी का दुपट्टा है. लाइक हाँ इट्स रियल मॉम को दे दिया, इट्स फुलकारी ब्रो, आई मीन हाउ डिफरेंट कैन इट बी. सो वो एक सिमिलैरिटी है, बट
ज़्यादा कुछ इतना है नहीं बिकॉज हमारी इक्वेशन बहुत अलग है, लेकिन एक बहुत ही फनी डायलॉग है फिल्म में, मैं एग्जैक्टली डायलॉग नहीं बताऊंगी, मज़ा चला जाएगा, बट समथिंग अबाउट कि उस मतलब पूनम जी प्रोटेक्ट करती है मुझे क्योंकि बेटी पे कोई उन पर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाता है कि उसके बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं वगैरह, तो ये मेरी मम्मा के साथ हुआ है रियल लाइफ जब मैं छोटी थी। हाँ और नहीं बताऊंगी, आई नो ये हमेशा डर जाते कि ये अभी कुछ तो बोल देगी, ऐसे करते करते हर वीडियो में कुछ होगा सब जोड़ेंगे पिक्चर बना देंगे। नो तो ऐसा रियल लाइफ में हुआ था मेरी मम्मा के साथ, किसी ने बोल दिया था कि अरे सोनाली को तो हमने मतलब यहाँ देखा है क्या, जबकि देयर वाज नो ट्रूथ टू इट एंड मम्मा को सब पता होता था, सो शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। तो मम्मा लाइक ना एक नहीं चारों के साथ देखा होगा, चार लड़के उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है जो शट अप। सो दैट इज़ द ओनली सिमिलैरिटी, वो एक प्रोटेक्टिवनेस एक डॉटर्स को लेके जो मदर्स की होती है ना, आई थिंक वो बहुत ही स्पेशल होती है। अरे वो ही मैंने अभी आपने सेम क्वेश्चन पूछ लिया ऑफिस कि बहुत ही अच्छा था, बट दोनों मैम में एक चीज़ है, बहुत डिसिप्लिन है एक्टिंग को लेके, विद टाइमिंग ऑफ कमिंग ऑन द सेट और वट एवर इट इज, दे आर ऑलवेज वेरी यू नो स्माइलिंग एंड एंजॉइंग द मोमेंट, बट ऐसा भी एक टाइम है जब वो एक देर इज अ किडिश साइड कि वो एकदम से बच्चे से बन जाते हैं एंड दैट इज़ वेरी क्यूट। सो बेसिकली वही मैंने आपको पहले बताया था कि वो हम उम्र लगते हैं, ऐसे नहीं लगता, वो एक बैगेज नहीं है कि यू नो स्टार्स ये वो, लगता है कि हाँ इट्स लाइक अ फैमिली, यू कैन टॉक टू देम अबाउट एनी थिंग, दे आर वेरी चिल्ड अबाउट इट एंड अबाउट ईटिंग टूगेदर। तेरे फर टूट गया, मेरे फेदर्स टूट रहे, उड़ेगी कैसे अब। यही है तो बस ये उड़ती रहती है और आंसर जो है इधर उधर चलते रहते हैं। तो तो बस अब आप सोनाली से पूछो, आपने तो बोल दिया तो ऐसे इसकी बोलती बंद हो जाती है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बोथ ऑफ देम आर सुपर्ब एक्टर्स एंड आई ऑलवेज हैड अ थोड़ा सा बिफोर शूट करने के पहले, मेरी पहली रीडिंग थी पूनम जी के घर पे सीधा, मैं पहली बार पहली बार उनको मैं मिली थी एंड तब से मैं थोड़ा सा ना ऐसे कंट्रोल ऑन गार्ड थी कि पता नहीं तब से डर गई थी। हाँ कि ये मम्मी मेरी कड़क होने वाली, बट वो इतनी स्वीट है कि वो कड़क वाली फीलिंग भी नहीं आई कि मुझे जेन्युइनली डरना है, बट बहुत शी मेड अ लॉट ऑफ शी मेड श्योर कि हम एकदम कंफर्टेबल हो जाए बिकॉज वो बहुत ज़रूरी भी था हमारी इक्वेशन के लिए। सो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर, मतलब यू नो फ्रॉम गिविंग मी पॉइंटर्स टू कि उनके ज़माने में एक्ट्रेसेस कैसी होती थी और अभी कैसी हैं, और अगर मेरी कभी लाइट कट रही है तो मतलब वो लिटरली शॉर्टकट करके कि बेटा तुम्हारी कौन एक्ट कौन ये ऐसा करेगा कि दूसरे के लिए, मुझे अपनी नहीं पता चलता लाइट कट रही है मेरी, उन्होंने मतलब मेरा भी देख लिया। सो all that was amazing and Supriya ma'am was a treat to like watch and treat to work with. Unke saath mera relationship thoda formal hi tha because wo zarurat bhi thi film ki, because hamara relation film mein aisa hai, but beautiful actresses. Basically formal nahi tha, relationship banane ka time nahi mila kyunki she was engrossed in Poonam ji. I was in mera scenes hi unke saath the zyada, to main kya karun. Aur aap dono ke upcoming projects aur kya kuch aane wala hai iske baad? एक मिशन इम्पॉसिबल 4 आ रही है, देयर आर फिल्म्स ऑब्वियसली व्हिच इज कमिंग, सो आई एम गोना बी डूइंग दैट। अगर वो अनाउंस हो जाता तो मैं प्लीज मैं जरूर बताता, बट अब नहीं बता सकता। MI4 विद सनी एंड सोनाली। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे जय माता दी फिल्म को लेकर? ऑडियंस ये कहूंगा लो, आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वीट हैं, मैं हमेशा कमेंट्स और आपके इंस्टाग्राम और सब जगह लाइक्स करता हूँ जो भी आप कमेंट करते हो, तो आई नो यू गाइस आर वेरी कनेक्टेड, आई सी ऑल द मैसेजेस, ऐसा नहीं है कोई मैसेज नहीं करता, पर यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ लव टू अस हमारी पहली पिक्चरों में, इस बार भी अपनी मम्मियों को लेके आए, पापा को स्पेशली लेके आए और मेरे खानदान को लेके आए। डू वॉच द फिल्म ऑन 17th जनवरी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।